जी लगाई है मैंने। सपना, आपने लव मैरिज की है? जी लव मैरिज नहीं, चॉइस मैरिज। कई जब पूछ लेते ना कि आपने लव मैरिज की है या फिर, तो मैं उसको लव ना बोल के मैं कहती हूँ चॉइस मैरिज है मेरी। चॉइस मैरिज इसलिए जो काम हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से हम जी सकते हैं या नहीं जी सकते, जिसके साथ हमें पूरी ज़िंदगी बितानी है, और क्या वो हमें वो इतनी आज़ादी देगा जैसी ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं। मेरे खाने पे, पीने पे, रहने पे, आज़ादी से घूमने पे, यहाँ वहाँ जाने पे, मैं क्या पहन रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इससे उसको कोई दिक्कत ना हो, यही चॉइस मैरिज है। और मुझे उसकी चीज़ों से कोई दिक्कत ना हो, ये भी मैं देखती थी घरों में। मैंने अपनी मम्मी को, चाची को और आसपास में जो फ्रेंड्स थी उनकी शादी हो जाती थी, किसी की 10वीं करते ही शादी हो गई, प्लस टू करते ही शादी हो गई, आगे वो आज पढ़ नहीं पाई। और आज जो मैं जब उनको देखती हूँ उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है आज के टाइम में। इंटरकास्ट मैरिज पे किसी ने कोई ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन तो था ही सबके थे। मम्मी का ये था कि मेरी जो मम्मी है उसको मना लिया था बातचीत करके, पहले से मम्मी से भी मिलवाया था कई बार। जो मेरी दादी है और जो मेरे चाचा हैं, परिवार वाले जो हैं, भाई जो हैं मेरे, वो नहीं मानेंगे, तो जिस कारण वो चुप थी। तो हालांकि मम्मी को तो मैंने कैसे ना कैसे करके मनाया ही था। तो मेरी मम्मी का एक फ़ायदा था कि वो घर खुद ही चलाती, क्यों खुद कमाती है थोड़ा सा, पूरे घर को वही चलाते हैं। तो बात तो की थी घर पे, लेकिन वो नहीं मानने, तो मेरी मम्मी बोली अपनी लड़की की मैं खुद ही कर दूँगी। घर वालों को भी मैंने अपनी इच्छा बता दी थी कि अगर मैं, मुझे करनी होगी शादी तो मैं अपनी फील्ड के लड़के से करूँगी। तो फ़ायदा ये मिला कि मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी चीज़ की, कि ये मत पहनो, ये मत खाओ, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इस तरह की। जैसे कई बार देखा है मैंने अरेंज मैरिज में कई सारी बाउंडेशन होती है बहुओं पर, तो घर वालों को बड़ी मुश्किल से मनाया, उनके उनका माइंड वॉश किया और बड़ी मुश्किल से वो माने हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि तुम इतनी दूर कैसे चली गई। ब्याह के बाद सोचा था कि अपनी मर्जी से शादी करेंगे, क्योंकि अरेंज मैरिज में देख चुका था कई, उसमें कई तरह की दिक्कतें महसूस कर रहा था। फिर मुझे लगा कि अपने ज़िंदगी का सवाल था, अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनना चाहिए। तो बस यही सोच के फिर मैंने इस तरफ कदम बढ़ाया। कई बार क्या होता है कि हम माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे हमारी पसंद से, हमारी मर्जी से शादी करें, चाहे लड़की ने लड़के को देखा हो या ना देखा हो, चाहे लड़की उसको पसंद करती हो ना करती हो, और उन्हें ज़बरदस्ती ऐसे रिश्ते में बांध देते हैं जो दिल से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे केस ऐसे सुन चुकी हूँ मैं, देख चुकी हूँ कि माँ बाप की मर्जी के ख़िलाफ़ जिन्होंने शादी की है उनका या तो मर्डर करवा दिया गया या वो घर से भाग गए हैं बच्चे, फिर कभी उनको घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो अपना गुमनाम जी रहे हैं। तो माँ बाप को भी ये सोचना होगा कि जहाँ बच्चों की खुशी है, हर माँ बाप यही चाहता है मेरे बच्चा खुश रहे, जहाँ भी रहे अच्छी स्थिति में रहे, तो वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाते कि बच्चे की खुशी क्या है।